नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गोवा हम लोग पहुंच गए थे, और गोवा पहुंचने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि हम लोग स्टे कहाँ पे करें। बेसिकली गोवा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है साउथ गोवा और दूसरा है नॉर्थ गोवा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग पहली बार गोवा आ रहे हैं तो अपना स्टे आप नॉर्थ गोवा में ले सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा क्राउड होता है और काफ़ी हैपनिंग भी है। नॉर्थ गोवा में आप लोग कैलंगूट, बागा, अरपोरा, अंजुना के पास अपना स्टे कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग सीज़न टाइम पे गोवा आओ तो पहले से अपनी एडवांस बुकिंग करा के आओ, क्योंकि सीज़न टाइम में गोवा फुल पैक होता है। और यहाँ पे अगर आप एट अ टाइम बुकिंग देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रेट भी काफ़ी ऊपर नीचे होता है। और इस वाली सीरीज़ में मैं पूरा नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने अपना स्टे भी नॉर्थ गोवा में ही लिया। इस ट्रिप पे पहली बार मैंने एयरबीएनबी से बुकिंग करी है। एयरबीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, और यहाँ पे होटल के मुकाबले आपको काफ़ी सही ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरा 2 BHK वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट जो कि मैंने यहीं से बुक किया, और बताऊंगा कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली और ये हमें कितने का पड़ा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस रोड से अंदर आके ही हमारी सोसाइटी है, ये बागा कलंगुट वाली मेन रोड है। यहाँ से थोड़ा सा अंदर आएंगे तो ये है हमारी सोसाइटी। ये सोसाइटी का मेन गेट है, और ये सोसाइटी देखिए कितनी बड़ी है, वो पीछे तक है। और यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर रेस्टोरेंट भी है। यहाँ की मेन्यू आपके हर रूम्स में पड़ी होगी, आप वहाँ पर उस मेन्यू को देख के यहाँ पर फ़ोन करके ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपके कमरे में खाना पहुँच जाएगा। और अब मैं चलता हूँ अंदर, आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये आ गया भाई पहला विंग। यहाँ पे देखिए आप कार पार्किंग भी बनी हुई है, और हर एक विंग में 3 फ्लोर्स है, और लिफ्ट वगैरह सब कुछ लगी हुई है। यहाँ से आप देखिए इसका नज़ारा। और जो कार पार्किंग है, ये तो जो पार्किंग है जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके घर है उनकी पार्किंग है। और जो अगर आप लोग अपनी गाड़ी लेके आओगे या यहाँ पे गाड़ी रेंट करोगे तो उसकी पार्किंग जो अभी मैंने आपको बाहर दिखाया ना मेन गेट, उसी के साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। और स्कूटी की जो पार्किंग है वो बैक साइड में है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो भाई, ये हमारा सोसाइटी का व्यू है जहाँ पे मैंने अपार्टमेंट ले रखा है रेंट पे। यहाँ पे अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, ABC ऐसे करके। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, ये बड़ों का स्विमिंग पूल है और सामने बच्चों का स्विमिंग पूल है। काफ़ी बढ़िया बनी हुई है सोसाइटी। यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है। ये देखिए वॉकिंग एरिया बना हुआ है अलग अलग विंग्स में जाने के लिए, और सामने पूल है। अभी वहाँ पे पार्टी शुरू हो चुकी है, अभी जब मैंने पहले रिकॉर्ड करने आया था तब पार्टी शुरू नहीं हुई थी, लोग बाग आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों के लिए अलग पूल है छोटा सा, और यहाँ पे बड़ों के लिए है, ज़्यादा गहरा नहीं है पूल, ठीक है। मस्त मज़ा आ रहा भाई। सागर भाई हमारा उधर कोने में चला गया। और देखो भाई हमारे गुगू जी भी आ गए हैं पूल में, और इनकी ड्रेस देखो आप, पूरी स्विमिंग पूल वाली ड्रेस पहन रखी है इसने, बीच वेयर। और इधर परी भी आ गई है, इसने भी सेम ड्रेस पहनी हुई है। अरे सागर भाई बच्चों वाले पूल में चले गए भाई, इधर आ भाई, वो बच्चों के लिए है, रिजर्व्ड है वो। और हमारी मैडम का है, वो आ रही भाई हमारी मैडम। तू भी उधर जा रही है उस छोटे बच्चों वाले पूल में, इधर आओ। गुगू जी यहाँ पे भाई मस्त इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है भाई हमारा अपार्टमेंट ना, सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं भाई, मज़े आ रहे हैं पूल में, बहुत पानी भी ठीक ठाक है। और उधर देखो हमारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये रे अपार्टमेंट काफ़ी सही है, ये काफ़ी बहुत बढ़िया है, आराम से आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। स्विमिंग पूल में आने के लिए भी इस स्विमिंग पूल के कुछ रूल्स हैं, जो इसकी टाइमिंग्स है वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही है, तभी उस टाइम पे ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और कपड़े जो आपको पहनने पड़ेंगे वो जो स्विमर वाले होते हैं
वो चलेंगे, जो कॉटन के आप कपड़े पहन के आएंगे, अगर किसी ने देख लिया तो आपको टोक देगा, वैसे लोगों ने तो पहने ही हुए हैं तो आप देख सकते हैं, अगर किसी ने टोक दिया तो भाई वो आप देख लेगा। भाई मैं तो उल्टा कूदा था, सागर भाई अब हमारा यहाँ से कूदने की तैयारी में है, बेटा लगे ना, लगी तो नहीं, पूल भी खाली हो चुका है। पूल में हम लोग काफ़ी देर नहा लिए, यहाँ पे एक शावर एरिया भी बना हुआ है, पूल में जाने के बाद आप लोग वहाँ से शावर करके अपने अपने रूम में जा सकते हैं। और अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ जो हमारा 2 BHK वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट है उसका नज़ारा, अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ईश्वरी सोसाइटी में जिम भी है, आप इसका भी एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग का मुझे पता नहीं है। और इसी के साथ में है यहाँ पे स्कूटी की पार्किंग, देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है ये, और इधर भी है, और इधर की साइड जाके भी है स्कूटी की पार्किंग, और इसका एक सेपरेट गेट है, यहाँ से आप लोग स्कूटी वगैरह लेके आएंगे तो यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, काफ़ी सेफ भी है और काफ़ी बड़ी पार्किंग भी है। और जो गाड़ी होगी वो आपको बाहर खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि उसका पार्किंग स्पेस बाहर ही है, जो भी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था वो है। तो बस अब चलते हैं रूम की तरफ। और ये सारा लिफ्ट लॉबी एरिया है, यहाँ से हम लोग जाएंगे सेकंड फ्लोर पर, यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे तो हर एक फ्लोर पे आपको 3 अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3 इधर है और 3 इधर है, और हमारा जो अपार्टमेंट है वो है भाई ये वाला, बाहर इन्वर्टर भी लगा हुआ है, अगर लाइट चली भी जाती है तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने अपार्टमेंट का नज़ारा, ये देखिए भाई ये कितना बड़ा स्पेशियस अपार्टमेंट है, ये सारा लिविंग रूम का एरिया है, यहाँ पे सोफे वगैरह लगे हुए हैं, आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पे, स्मार्ट टीवी है ये, और यहाँ पे चाबी वगैरह आपने टांगनी हो वो भी टांग सकते हैं, और यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है, नेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ये है इस लिविंग रूम की पहली बालकनी, आगे एक मास्टर बेडरूम में भी बालकनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमने कपड़े वपड़े धोए थे वो सूखने डाले हुए, और यहाँ से आप अपार्टमेंट का नज़ारा देखिए, और पूल व्यू है सारा इधर ना। और मैं चल के आपको इसकी अब किचन दिखाता हूँ, ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगी हुई है, इस अपार्टमेंट में हमें फ्रिज भी मिला हुआ है, यहाँ पे वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट में है पूरा ये, और यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ये, सर्फ भी हम लेके आ गए थे, यहाँ पे लॉन्ड्री बैग है, उसके नीचे डस्टबिन है, और ये सारा हमारा किचन का एरिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्वागार्ड भी लगा हुआ है, बर्तन वगैरह भी हमने धो के लगा दिए। और यहाँ पे इस अपार्टमेंट में जो हमें मिले ये सब भी कटलरी इंक्लूड है इसके अंदर ना, ग्लासेस है, चम्मच वगैरह है, ये कप्स है, ये सब इंक्लूडेड है, और इंडक्शन भी है यहाँ पे, जब हम लोग आए थे यहाँ पे कॉफ़ी भी मिली थी हमें, वो तो ख़त्म हो गई हमने पी ली, बाकी हम जो सामान लेके आए थे घर से वो हमने यहाँ पे नीचे सेट कर दिया था। और इसके नीचे हमें ये जो प्लेटें वगैरह ये भी सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, इवन आप देख सकते हैं चॉपर भी है, चॉपिंग बोर्ड भी है, और यूटेंसिल्स में हमें ये कढ़ाई मिली थी, पैन मिला है, और एक सॉस पैन है जिसपे चाय बनाते हैं हम, वो भी इसी में इंक्लूडेड है सब कुछ। और ये हमें यहाँ पे मिक्सी भी मिली थी, ये वैसे थी नहीं यहाँ पे, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है, वो अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये है भाई इसका पहला बेडरूम, देख सकते हैं आप, यहाँ से भी पीछे से बहुत अच्छा व्यू आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये कुछ इस तरह से ये बेडरूम, सामने आपको देखिए वार्डरोब भी दे रखी है, इसके अंदर सामान सेट कर दिया हमने, कपड़े वपड़े और जो हम बैग लेके आए थे वो ऊपर लगा दिए इसके। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए भाई यहाँ से भी पूरा पूल व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है इधर का भी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम, और इस वाले बेडरूम के साथ ये कॉमन वॉशरूम है, कुछ इस तरह से देखिए, ये देखिए भाई ये है कॉमन वॉशरूम, सामने हीटर भी दे रखा है, इंस्टेंट हीटर है वो। और ये है भाई हमारा मास्टर बेडरूम, ये देखिए भाई, और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मैट्रेस भी मिला हुआ है ताकि अगर आपके पास मतलब कोई गेस्ट अगर एक्स्ट्रा भी है तो उसका काम चल जाएगा। और मास्टर बेडरूम में ये देखिए यहाँ पे वॉशरूम है, और ये यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, और ये मास्टर बेडरूम के साथ ही अटैच वॉशरूम है,
ये देखिए भाई, वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे भी इंस्टेंट हीटर दे रखा है और सारे कमरों में एसी है, इवन लिविंग रूम में भी एसी है, स्प्लिट एसी है सारे कमरों में, उस वाले बेडरूम में भी था, इस वाले बेडरूम में भी है और लिविंग रूम में भी है। और यहाँ से भाई बालकोनी देखो, ये वाली बालकोनी थोड़ी बड़ी है उस वाले के मुकाबले, ये देखिए भाई। और यहाँ से भी भाई इस अपार्टमेंट का व्यू देखिए कितना अच्छा है। भाई मिक्सी के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, वो ये है कि भी आने से एक हफ़्ता पहले मैंने अपने होस्ट को मैसेज करा था कि भाई आपके यहाँ मिक्सी है या नहीं, अगर नहीं है तो हम लोग लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा भाई मिक्सी तो है नहीं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं छोटे, ट्रैवल कर रहे थे, उनको हमने दाल और दलिया देना होता है पीस के, तो उसके लिए हमें चाहिए थी। तो थोड़ी देर बाद ही उनका मैसेज आ गया कि आप लोग मत लेके आना, मैंने ऑर्डर कर दिया है अमेज़ोन से। हमने कहा भाई ऑर्डर आपने क्यों करी, हम तो लेके आ जाते, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जैसे आपको ज़रूरत पड़ रही है वैसे और किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी, एक तरह से मेरी एसेट ही बन रही है ये। तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये रिएक्शन। और ये अपार्टमेंट मैंने एयरबीएनबी से बुक करा है और पहली बार मैंने इस ऐप का यूज़ करा है और फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा बढ़िया ही रहा है, क्योंकि अपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, ये फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है। एयरबीएनबी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है और मैंने भी इसमें पहली बार बुकिंग कराई थी। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अपार्टमेंट से लेके अगर आपने पूरा का पूरा घर लेना है वो भी आपको मिल जाएगा, इवन विला तक आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका भाई अलग अलग बजट होगा, आप अपने बजट के हिसाब से उसमें देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं अभी अपार्टमेंट मुझे कितने का पड़ा। तो पहले जब मैंने चेक करा था ये अपार्टमेंट आ रहा था 33 से 34 हज़ार रुपये का, फिर मैंने उनसे बात करी और थोड़ा सा नेगोशिएट करा तो ये फाइनल रेट हमारा तय हुआ 28 हज़ार रुपये, जो कि 7 दिन का प्राइस था और पर नाइट हमें पड़ गया 4 हज़ार रुपये इंक्लूडिंग टैक्सीज। तो भाई बहुत बढ़िया डील मिल गई हमें ये, और मैंने तुरंत ही इसको बुक कर लिया क्योंकि फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिल रही थी, क्योंकि हम फैमिली थे, हमारे साथ बच्चे भी थे, बच्चों को कुछ खाना पीना है, काफ़ी सही ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल गए थे, काफ़ी सारी हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल गई थी जो कि अभी मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया। तो हमें ये डील बुरी नहीं लगी और हमने इसको तुरंत बुक कर लिया। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।